अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत मज़ेदार क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाएंगे केएफसी स्टाइल के। ये बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से जूसी और टेंडर बनते हैं घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। चिकन विंग्स के लिए सबसे पहले चाहिए 1/2 kg चिकन विंग्स, जिसे स्किन के साथ लिया है और स्किन को रिमूव नहीं करना। इसके साथ ही सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हमने सबसे पहले बोल में पानी लिया है और उसमें 4 खाने के चम्मच नमक यानी सॉल्ट ऐड किया है। ये चिकन विंग्स को बिल्कुल भी खारा नहीं करेगी, ये इसमें मैरिनेट होगी, इसमें डिजॉल्व होगी, इसके चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर इसमें चला जाएगा, लेकिन ये सॉल्टी नहीं होगी। अब इसमें ये सारी चिकन विंग्स आपको डिजॉल्व कर देनी है, इसमें डिप कर देनी है और इसे तकरीबन ओवरनाइट के लिए आपको रख देना है, या अगर आपके पास टाइम ना हो या 5 घंटे के लिए इसे डिप रहने दें वाटर में। 5 घंटे बाद इसे निकालें, इसे वॉश करें फ्रेश वाटर से और इसे स्ट्रेनर में रख दें। अब एक सेपरेट बोल में इसकी मैरिनेशन तैयार करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। ये मिर्चें नहीं होती इसमें, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। मिर्चें सिर्फ लाल मिर्चों के पाउडर से इसमें जाएंगी। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच व्हाइट पेपर यानी दखनी मिर्च का पाउडर। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन पाउडर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसे डालना चाहें तो आप गार्लिक फ्रेश क्रश करके डाल सकते हैं अगर ये मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमने लिया है जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। जिंजर पाउडर होता है सौंठ का, आप पाउडर भी बना सकते हैं, वो जिंजर पाउडर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते डालना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हमने डाला है 1/2 teaspoon। साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे विदाउट एनी वाटर, कोई भी पानी डाले बगैर सारे मसालों का लम्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। अब अच्छी तरह ड्रेन की हुई चिकन के विंग्स को हमने इसमें डिप कर दिया है मसाले में और इसे अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हमें मैरिनेट करना है। यहाँ पे एक टिप है कि अगर आप पानी में जब 5 घंटे पहले आप उसे सोक कर रहे हों सॉल्ट वाटर में, तो उसे सोक करने के बाद आप फ्रिज में रखें और ये वाले मसाले को भी आप मिक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रखें। बाहर इसे नहीं छोड़ेगा, अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी चिकन क्रिस्पी बनेगी। चिकन मैरिनेट हो जाए तो आप सेपरेट बोल में 2 कप मैदा लें या 2 कप से ज़्यादा ऑयल लें डीप फ्राइंग के लिए। इसे गर्म करने के लिए रख दिया है, फिर से चिकन को निकाल लिया है, इसे अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लेंगे और साथ ही एक अदर बोल में हमने आइस वाला वाटर लिया है यानी कि आइस क्यूब का चिल्ड वाटर चाहिए। अब आप यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं कि मैदे में सिंपली इसको कोट करना है दबा दबा के, जिस तरह आटा गूंदा जाता है उस तरह से आपने अच्छी तरह इसको कोट करना है मैदे में, इसीलिए मैदा ज़्यादा जाएगा। मैदे में कुछ ऐड नहीं किया, ना सॉल्ट ना कोई पेपर। अब ये अच्छी तरह कोट हो चुकी है, इसे डिप कर दें तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए आइस चिल्ड वाटर में आपने डिप करना है। साथ ही दूसरी चिकन को भी अच्छी तरह मैदे में हम इस तरह कोट कर लेंगे। मैदे में कोटिंग करनी आपको लाजमी है, आप हैंड की मूवमेंट मेरी देख सकते हैं, इस तरह कोट करना और 10 सेकंड्स के लिए चिल्ड वाटर में इसे डिप कर दें। 10 सेकंड्स बाद इसे आप निकालें और दोबारा मैदे में अच्छी तरह उसी तरह कोट करना है। मैदे की सेकेंड लेयर अच्छी तरह कोट करने के बाद इसे आप झटक लें, ड्राई कर लें थोड़ा सा, ताकि इसमें से एक्सेस जो मैदा है फ्लावर है वो रह जाए। ये देख सकते हैं कितने अच्छे क्रम्स आ गए हैं। पहले इसे सेपरेट एक प्लेट में आप बना के सारे रख लें और इसे डीप फ्राई एक साथ करें। फ्राइंग के लिए ऑयल बिल्कुल तेज़ गरम होना चाहिए। ऑयल जब तेज़ गरम हो जाए तो इसमें ऐड कर दें चिकन के विंग्स को, और अगर पॉट छोटा है तो एट अ टाइम जस्ट 2 विंग्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड पे बिना स्टर किए इसे आपने फ्राई करना है और 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर देना है।
फ्राई करते वक्त इसे बार बार स्टर नहीं करना वरना इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं आएगी। एट अ टाइम अगर पॉट छोड़ता है तो दो पीस आप डालें और इसे सर्व करें विथ केचप या मायो। देख सकते हैं आप कितनी टेम्पटिंग और मज़ेदार ये चिकन लग रही है, कितने अच्छे क्रिस्प आए हैं इस पे एग्जैक्ट केएफसी स्टाइल के। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी आई गारंटी यू। ये बहुत ही जूसी और बहुत टेंडर चिकन थी। आप इस रेसिपी से बनाएंगे, बहुत ही आसान है ये रेसिपी, हर कोई बना सकता है अपने घर में और इन्जॉय कर सकता है। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी रेसिपीज पसंद आई हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तानी कुकबुक बाय अनन के नेम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।